नमस्कार, एसएम न्यूज में आपका स्वागत है। मेरा नाम है कोमल और आप देख रहे हैं एसएम न्यूज। आज हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राम मनोहर मलिक जी। मलिक जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। धन्यवाद कोमल। सर, मैं आज भी पूछना चाहती हूँ कि राम मंदिर के बनने का फैसला तो हो चुका है, लेकिन इससे जनता को और हमें क्या फायदा है? देखिए कोमल, फैसला हो गया है। अभी हाल में सुप्रीम कोर्ट से, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय से ये फैसला आ गया है कि जो विवादित जमीन थी वहाँ पर राम मंदिर बनेगा और मस्जिद के लिए, हमारे मुस्लिम भाइयों के लिए 5 एकड़ ज़मीन अलग से दी जाएगी, वहाँ पर बनेगा। ठीक है, ये दोनों की अपनी अपनी आस्थाएं थी और दोनों अपने अपने पूजा के लिए सब हो जाएगा। लेकिन मैं इसके ऊपर एक चीज़ ज़रूर यहाँ टिप्पणी करना चाहूँगा कोमल। ठीक है, अपनी अपनी भावनाएँ हैं, अपनी अपनी धारणाएँ हैं। जो आदमी मंदिर जाते हैं उनको अच्छा लगेगा, मंदिर बनना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जितना समय इसके ऊपर लगा गया, जितनी टेंशन इसके ऊपर लगी है और जितना मतलब सब कुछ इसी के ऊपर छोड़ दिया, पूरी राजनीति हुई है, शायद इसकी बजाय अगर देश को सुख सुविधाएं देने के लिए, जनता को सुख सुविधाएं देने के लिए अगर उतना जोर लगाया होता तो ज़्यादा बढ़िया था। मतलब राम मंदिर को ऐसे बना दिया कि जैसे सब कुछ वहीं से मिलना है, सब दाल, अरे पूजा है वो, हमारी एक आस्था की जगह है, वहाँ हम भगवान की पूजा करते हैं। जो जो जैसे जैसे मानता है, मुस्लिम अपने को मानते हैं, हिंदू अपने को मानते हैं, तो वो हमारी एक आस्था है कि भाई वहाँ उनका जन्म हुआ था, वहाँ उनका मंदिर बनना चाहिए, वो ठीक है। लेकिन रोजी रोटी तो कमा के ही खाना पड़ेगा ना, हर आदमी को काम तो अपना ही करना पड़ेगा। और आप देखिए, मंदिर एक तो राम का मंदिर है, एक न्याय का मंदिर है। मैं कहता हूँ कि न्याय के मंदिर की ज़्यादा ज़रूरत है। राम का मंदिर ठीक है, बन गया, मैं मना नहीं कर रहा हूँ कि वो नहीं होना चाहिए, लेकिन जितनी ताकत इसके ऊपर लगी है 37 साल से, पूरा सब कुछ झोंक दिया, पूरा सिस्टम उसके ऊपर लगा दिया, इसकी बजाय न्याय के मंदिर पर। देखिए अदालतों में इतने मुकदमे हैं, अब कोई 30 साल 40 साल में न्याय मिलता है तो वो मैं उसको न्याय मिलना नहीं कहूँगा। तो कोमल, इसके ऊपर जोर लगाना चाहिए था इन लोगों को, न्याय की व्यवस्था को सुधारो। अब न्याय आज मिलते नहीं है, बहुत लोगों को मिल ही नहीं रहे हैं, क्योंकि मैं, हालांकि मुझे न्यायालय में बहुत भरोसा है, लेकिन फिर भी आज न्याय में भी कहीं ना कहीं कुछ दिक्कतें आ रही हैं, सरकारों की उसमें भी दखलंदाजी हो रही है। तो ये जो इन्होंने राम के मंदिर के ऊपर इतना, अच्छा फिर दूसरी बात एक और है, चलो राम के मंदिर बनाओ, आप बनाओ तो उनको आप आदर्श मानते हो, राम को अगर आदर्श मानते हो इसीलिए उनका मंदिर बना रहे हो, तो उनकी शिक्षाओं के ऊपर अमल भी तो करना चाहिए। उन्होंने जो शिक्षा दी है या उन्होंने जो कहा है उसके ऊपर अमल तो कोई नहीं कर रहा है। राम ने तो कभी नहीं कहा था कि आपस में लड़ो, वो तो अपनी जनता से बड़ा प्यार करते थे, सबको बड़े आराम से रखते थे, तो ये क्यों नहीं, इनके लिए तो जनता इनकी दुश्मन है, ये तो जनता को कभी अपना नहीं समझते। तो राम के मंदिर के ऊपर खाली एक पूजा करने से, मंदिर मानने से नहीं होता है, उनके रास्ते पर, बताए हुए रास्ते पर भी चलो, उन्होंने जो सिखाया है, जो दिखाया है, उस रास्ते पर भी चलना चाहिए, तब है फायदा। अकेले राम मंदिर बनाने से क्या फायदा जब हम उनकी बातों को मान ही नहीं रहे हैं। तो ये ठीक है कोमल, राम मंदिर सिर्फ हम एक आस्था की जगह है, हमारे पूजा पाठ की जगह है, वो उतना ही है, लेकिन बाकी तो कामकाज, नौकरी पेशे, अपना व्यापार, ये सब तो इंसान को खुद करना पड़ेगा, उसके ऊपर ज़्यादा जोर देना चाहिए सरकारों को, ना कि मंदिर के पीछे लगे रहे। मंदिर तो ठीक है, अभी आदेश हो गया है और ये बहुत पहले हो सकता था, ये तो इन्होंने जानबूझ के लंबा खींचा है। तो इनका मैं तो ये सलाह दूंगा कि जो भी सरकार वहाँ बैठी है वो न्याय मंदिर के ऊपर जोर दे, न्याय दिलाने के, न्याय मतलब हर चीज़ का न्याय, रोजगार नहीं मिल रहा है उसके साथ न्याय नहीं हो रहा है, जिस आदमी को उसका हक है, उसको काम मिले या नौकरी मिले तो वो नहीं मिल रहा है, तो वो भी तो न्याय है ना, तो उसके साथ न्याय करो। अदालतों में जो झगड़े हैं, इतनी लंबी लंबी लाइन लगी है वहाँ 20 साल से 30 साल से, वो निपट नहीं रहे हैं, वहाँ कोई ऐसी सुचारू व्यवस्था करो, अदालत जजेज बढ़ाइए या कोर्ट बढ़ाइए, कुछ भी करिए, लेकिन न्याय प्रक्रिया को अच्छा करिए, और जब न्याय सही मिलेगा तो वो न्याय हर किस्म का न्याय होगा, तो जनता को थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा, उसका जीवन थोड़ा सा आनंदित होगा। तो मैं समझता हूँ कि इनको जनता के सुख सुविधाएं देने की तरफ, न्याय देने की तरफ, उस तरफ जोर देना चाहिए, सिर्फ मंदिर के पीछे पड़े रहने से कोई हासिल नहीं होता है। जय हिंद। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।